कहीं आप भी इंपोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस के नाम पर डुप्लीकेट चीज तो नहीं खा रहे हैं? कई बरसों से शहर हैदराबाद की आवाम का भरोसा, सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज के अहम खबरों पर। सबसे पहली अहम खबर आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि माँ और बेटी को लेकर है। अब तक आपने सास और बहू का झगड़ा देखा होगा, भावच और ननंद का झगड़ा देखा होगा या बहन बहन का झगड़ा भी देखा होगा, लेकिन माँ बेटी का झगड़ा पहली बार हम आपको बताने जा रहे हैं। ये झगड़े की खबर आप सुन लीजिए। माँ और बेटी के बीच झड़प, बेटी के आशिक को लेकर हुई लड़ाई। बेटी ने कहा, माँ मुझे इवेंट्स के काम पर भेजती है। सोचिए माँ क्या करवाती है, इवेंट्स पर अपनी जवान बेटी को भेजती है और पैसे नहीं देने पर घर से हकाल देती है। इस तरह से कहना है बेटी का। अब एक तरफ माँ का कुछ और कहना है तो बेटी का कुछ और कहना है। फैसला जो है आवाम बाखूबी कर सकती है, आवाम समझ सकती है। तो आइए, बेटी और माँ के बीच झगड़ा बल्ला गुड़ा पीएस लिमिट में, कौन सही है कौन गलत है आप फैसला कर सकते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया बेगम है, मैं फलकनुमा अलजुबैर कॉलोनी में रहती हूँ। बेवा हूँ मैं, मेरे को चार बेटियाँ हैं, एक बेटा है। मेरे बच्चियाँ दो शादीशुदा है, दो बच्चियाँ इवेंट्स पे जाते, मेरे वेटर्स का काम करते। मेरे बच्ची एक मेरे अपार्टमेंट में बच्चा रहता, आमिर बोल के नाम है उनका, वो बच्चे से आशिकी करी मेरी बच्ची। तो बच्ची को 5 महीने से सिखा के धमका के कामों पर से यहाँ वहाँ ले लेके चले जा रही, बच्ची का काम छुड़ा दिए, सौंप कर दिए बच्ची को। 5 महीने 6 महीने से सिखा के वो करके मैं कितना भी समझाऊँ नहीं समझ रही बच्ची। आज मैं बर्दाश्त के बाहर होके जो आके या उनकी अम्मी को बोलने जा रही थी कि बच्चा बच्ची को भगा के लेके जा रहा, मैं बोलने ही जा रही हूँ। वो उनके आमिर का भाई असद और निसार जो MIM के बस्ती के लीडर है साजिद भाई, उनका भतीजा, वो मिलके बच्चे मिलके मेरी बच्ची के ऊपर, दो बच्चियों के ऊपर मेरे ऊपर अटैक करे, और 1 साल की बच्ची भी थी उसमें। सुने नहीं, हम लोगों को लिड़ा लिड़ा के मारे। मैं मुबीन साहब को फ़ोन कर रही हूँ MIM के, उन्होंने फ़ोन उठा के बोल रहे हैं कि कई को फोना कर रहे, कई को ऐसा कर रहे बोल के, वो किसी को बोले कहते मेरे बच्चे। MLA मुबीन साहब को करे तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, अफरोज शाह को फ़ोन करे तो बेचारे रिस्पॉन्स दिए, आ रहा हूँ मैं 11वीं में हूँ बोले। मैं नहीं था बस्ती में, 11वीं में घर में मेरे को समझ में। वो असद मारा और उनके बच्चियाँ, उनके अम्मा, उनके फुप्पा और लीडर साहब साजिद भाई का बच्चा निसार, पार्टी के लीडर है, एरिया के लीडर है उन्होंने। अभी मिर्जा रमेश बेग साहब को फोन करी तो उनसे बात करे, बात करके ACP साहब से बात करते बोले कुछ भी रिस्पॉन्स। मेरे को इंसाफ असद साहब से होना, इतना इंसाफ होना है। MIM में आए बोल रहे हैं, MIM के धमकियाँ दे के हमारे को ऐसा बोल रहे हैं। PS में आए तो हम लोग MIM के लोग आए, हमारी बात सुनते बोल रही। मेरे यहाँ PS में लिखा रहे हैं आके, रिस्पॉन्स नहीं दे रही, केस लेके रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। मेरे को जब से फिर आ रहे, मैं असद साहब को फोन कर रही, मुबीन साहब को फोन कर रही, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। पुलिस भी आ रही नहीं, घर पे मार रही, कुनल कुनल के मार रहे तो भी आ रहे नहीं। मेरे को बस असद साहब से ये इंसाफ होना, आपके पार्टी में है बोलना साहब तो बेवा उनका इंसाफ नहीं है, बेवा उनका इंसाफ करते बोलते ना असद साहब, आप हमारा भी इंसाफ करो। एक जेंट्स को, एक लेडीज को कैसा मारते असद साहब, कौन भी बोलो आप बोलो। क्या नाम है उनका? नाम साजिद भाई है, साजिद भाई तो नहीं थे, उनका भतीजा है, लीडर है। हाँ बस मेरे बस्ती का लीडर है। पुलिस वाले नहीं दे रहा रिस्पॉन्स, खाली ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर MSC करा के बल्लागुड़ा PS है। क्या बोल रहे पुलिस वाले? नहीं बोल रहे कुछ भी, खाली लोगों से बात कर लिए ऊपर, वो साजिद भाई लोगों से बात कर लिए, हमारे को धमकियां दे रहे, घर खाली करा डालते तुम लोगों को, रोड पे ला डालते बोल के पूरे बस्ती वालों को एक कर लिए। ज्यादा कुछ बोलते MIM का डाक डालते रहते कई को भाई, MIM में इंसाफ नहीं मिलता लेडीज को, आप लगा बोलो भाई। मैं मुबीन साहब को फोन कर रही हूँ इंसाफ के लिए, मुबीन साहब फोन नहीं उठा रहे, आखिरी में मिर्जा अहमद बेग साहब उठाए। आपको मारे हैं किसको? मेरे को, मेरे दो बच्चियों को, दूध की बच्ची थी उसको अंदर भेज दे के बच्चियों को लिड़ा लिड़ा के मारे मेरी बच्ची को। पूरा नामा मारे असद है और निसार है, दो जने और दूसरे बहुत बच्चे भी थे, पूरे आधे बस्ती वाले थे।
गरीबों के ऊपर ऐसा जुलम होता क्या बोलो आसान साहब कभी फोन करी मैं अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो मेरे खिलाफ़ मेरी फैमिली है ये कुछ मेरे खिलाफ़ गलत बोल रही है वो सब झूठ है। क्यों बोलते मैं भागी करी कुछ भी नहीं, आगे वाला सब एग्री करा था बात पे और मेरे मम्मा को फ़ोन भी करा था कि मैं लेके जा रहा हूँ बच्चे को, क्योंकि मैं बाहर इसलिए गई थी मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि मेरी मम्मा मेरे को मतलब 4 बजे से मार रही थी, मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी और मैं अनकम्फर्टेबल थी, तो मैं उसको बोली कि मैं हॉस्पिटल को जाके आएंगे मेरी तबीयत ख़राब हो रही बोलते। तो उसके बाद मम्मा बोले मेरे को ठीक है जाओ जाके आओ, उसके बाद हॉस्पिटल को जाके आ बस से मैं घर को आ बोल के बोले, तो मैं ठीक है बोली। रास्ते में फिर फ़ोन करे ऐसा ऐसा बोले पीएस को जा रही हूँ ये करती हूँ वो करती हूँ बोल के बोले, और असद के बहना कोई भी किसी को भी हाथ नहीं लगाए, असद को उल्टा मारे उसको गले पर मारे उसको पूरा बॉडी वो करे सब करे, और मम्मी का इल्ज़ाम है कि ये लोग मारे नहीं मारे कोई भी, मेरी अम्मा नहीं होती वो, अगर मम्मा रहती तो मेरी मम्मा ऐसा कुछ भी नहीं करती थी मेरे खिलाफ कुछ नहीं करती थी, मेरी अम्मा होती थी मेरे को 4-5 महीनों से मार लेते वाली, मेरे को टॉर्चर कर रही कि तू ये कर वो कर घर में न को रहे, तो पैसे लेके आ, और मैं डेली उनको कंटिन्यू पैसे दे रही थी 700-800-1000-1400 ऐसा दिन। मैं जॉब करती इवेंट्स करती हूँ, आगे वाला भी मेरे साथ टॉर्चर कर रहा था गंदा बैड टच कर रहा था, इसलिए मैं नहीं गई थी वहाँ पे। क्यों बोलता हूँ मेरे को अनकम्फर्टेबल दिख रहा था वो काम, इसलिए मैं नहीं गई थी, घर में बैठ के पैसे देती हूँ बोलती थी घर वालों को, तो ठीक है एग्री हो गए थे वो बात पे, इसलिए मैं डेली पैसे दे रही थी, तो उस पर भी उनको लड़ना ही था कि पैसे कम आए डेली इतने दियो उतने दियो आगे वाली के ही पैसे दियो ये दियो बोल के बोल रहे थे, तो मैं दे रही थी एग्री होकर बात पे। फिर ये बात से भी इतना टॉर्चर कर रहे थे मेरे घर वाले, मेरे को इतना वो कर रहे थे कि मैं घर में रहने पा रही हूँ थी वो। उनको ने आपकी फैमिली में? मेरी फैमिली में 3 बहना है, मैं उनकी बहन नहीं होती, जो मेरे बहना है अगर बहना रहता मेरे खिलाफ ऐसा नहीं करते थे उन लोग। तो ऐसा क्या हुआ आज? मेरे बहना मेरे को ऐसा टॉर्चर करते थे, मारते थे, करते थे, गालें देते थे, अम्मी भी ऐसा करते थे मेरे साथ, ये करना तू वो करना रोज मारते थे, बहना भी मारते थे मेरे। आज मेरे किससे मेरे बीएफ के भाई पे हाथ उठाए उन लोग, ऐसा मारे उसको ऊपर जाके मारे, बहनों को मारे, ये करे वो करे, उल्टा भी आयकर ना दिखा रहे की रिपोर्ट मेरे भाई बेटियों को मारे, 4 बेटियों को मारे, ये करे बोल के दिखा रहे थे। सब झूठ है मेरे वालदा का, सब झूठ है। अगर मैं अगर ना सच्चा रहता तो मैं यहाँ पे आपके सामने नहीं रहती थी इन लोगों के खिलाफ। तो कोई लीडर भी है उन्हें भी डराए बोल के बोल रहे? कोई भी नहीं थे घर पे, मैं सब बोल रही ना आप लोगों को, अगर मैं झूठी तो आप मेरी फैमिली सही है। कोई छोटा बच्चा है 1 महीने का उस उनके ऊपर भी अटैक करे बोल रहे? कोई नहीं थे घर पे, बहन अलग रहती है यहाँ पे, इधर रहती शाही नगर में रहते 2 बहना भी, और दूसरी बहन आके रिपोर्ट भी दिखाई थी कि मेरे को मारे, वो दोनों बहन अलग रहते जब कोई नहीं थे घर पे। झूठ बोलने की वजह क्या आपके वालदा? बस यही कि 5 महीने से टॉर्चर कर लेते बाहर थे घर में नहीं रहना बोल के, यही रीजन है उन लोगों का बस। अब नहीं रहना? नहीं रहना बोल के। अब अपनी मर्जी से करे शादी? शादी करे? आप क्या करे? नहीं हुई मेरी शादी वादी कुछ। अभी मम्मी बता रहे भागे बच्ची के साथ? भागी ना, मैं घर में इन्फॉर्म करी थी कि मैं हॉस्पिटल को जाके आ रही हूँ बोल के, ओके भी थे उन्होंने एग्री भी थे वो बात पे। आपकी एज क्या है? 20 है मेरी एज। 20 है? आपकी मम्मी बता रहे 18 से कम? आधार कार्ड पे लिखे हैं आप देख सकते हैं मेरे आपको दिखा रहे। बेटा आपकी एज कितनी है? 20 है ना। आपके पैदाइश मालूम आपको आधार कार्ड पे क्या है? 2004 आई थी। 2004 के ना? हाँ। आप मेजर है ना? जी। तो आपके वालदा बोले मैनर है बोल के? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब फेक है बोल, जो भी इतना बुरा लिखा है मेरे खिलाफ सब फेक है। तो आपकी शादी हो चुकी है? नहीं हुई अभी शादी वादी कुछ नहीं हुई। उन्होंने बोला ना बच्चा लेके शादी ना हमें बात शादी से पहले ऐसा करे, शादी हुई बस से मेरे को तो अलग ही कर डालेंगे ना हमारे घर में उसके कोई लोग हमला करे कोई ना करे, कैमरे है चेक कर सकते हैं वहाँ पे कैमरे है ऑलरेडी कैमरे है। एक ही फ्लोर के ऊपर आप लोग रहते हैं? हाँ फर्स्ट पे 0 नहीं ग्राउंड फ्लोर में रहती हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे लोग रहते हैं। तो आप वो बच्चा कौन है? वो जो बच्चा है मेरा बॉयफ्रेंड है, और वो जो दूसरा भाई है उसका उसका भाई है वो। ओके फिर तो उसके बाद आप उनके साथ में निकले नहीं घर में इन्फॉर्म करी थी मैं नहीं घर में इन्फॉर्म करी गई थी मैं हॉस्पिटल को जा रही मेरी तबीयत खराब हो रही क्योंकि मेरे 4 बजे से मेरे घर वाले मार रहे थे इसलिए गई थी मैं। हाँ अब तक जब से लेके अब तक मेरे को मार लेते और मेरे यही आज पैसे नहीं थी मैं बोल के पैसे मैं जाती इवेंट्स पे बोल के आपको नौकरी करा के पैसे लेते घर में पैसे लेके आना तो नको रहो बोलते मैं निकल गई थी हॉस्पिटल को जा रही हूँ। हाँ निकल गई मैं रोज निकली मेरे बीएफ के साथ निकली थी। बीएफ का क्या नाम है? आमिर है। आमिर है जी। तो अब आपका आमिर यहाँ पे है बीएफ में? जी हाँ। तो आप तो अभी क्या बोलना चाह रहे हैं? बस यही बोलना चाह रही हूँ आपको पीएस यही एक्शन लेते बोल रहे हैं लोग। मैं आपको हाँ कर रहे
ठीक है ना, क्योंकि आप मेजर मेजर है, आप जो भी चाहे वो कर सकते हैं आप, आपकी अपनी। हाँ जी, अभी मैं यही चाह रही हूँ कि जो भी लिखा है मेरे खिलाफ वो सब फेक है और मैं घर में रहना नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे को अगर मैं घर में गई तो मेरे घर वाले फिर से मेरे को टॉर्चर करते, फिर से मारते, फिर से बाहर भी जाते, इसलिए मैं नहीं रहना चाह रही हूँ दूसरी जगह। नहीं, उन लोगों का यही सवाल है कि पैसे लेके आओ तो रहो घर में, नहीं तो मत रहो बोल के ना भिजा दे रहे बार बार। सवाल करो ना मेरी फैमिली से, मैं वही सवाल कर रही हूँ मेरी फैमिली से, मैं नहीं कमा सकती हूँ। मैं वो काम पे बहुत अनकम्फर्टेबल हूँ, नहीं समझ में आ रहा वो काम। आपके जो जी हाँ, अभी कर लेते हैं पुलिस कस्टडी में। हाँ जी, कर लूंगी। बेस्ट क्वालिटी इम्पोर्टेड ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। नंबर वन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करिए, तभी तो आपके खानों में बरकरार रहेगा हैदराबाद का निजामी जायका। हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के शाहगंज में मौजूद सफा ड्राई फ्रूट्स एंड स्पाइसेस अब ऑल ओवर इंडिया दे रहा है होम डिलीवरी अपने कस्टमर्स को। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर तुरंत ही कांटेक्ट करें या विजिट करें हमारी वेबसाइट safadryfruitsandspices.com ताकि आपके घर तक पहुंच सके असली ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस।